बाहुबली पेन इंडिया प्रभास, जिनकी आने वाली सभी फिल्मों का पब्लिक को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, और अभी उनकी आई कल की 2898 AD फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धमाकेदार सफलता हासिल की है। और अब प्रभास की अगली फिल्म दी राजा साहब आने वाली है, जिसका कुछ टाइम पहले हमें एक अनाउंसमेंट वीडियो देखने को मिला था, और इस अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर हमें प्रभास की एक झलक दिखाई दी थी, और इस झलक के अंदर प्रभास बिल्कुल ही डिफरेंट किरदार में नजर आ रहे थे। और इसी के साथ डार्लिंग प्रभास की इस फिल्म को डायरेक्टर मरुति डायरेक्ट करने वाले हैं, और प्रभास की ये फिल्म एक हॉरर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। और अभी प्रभास की इस फिल्म को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है, जिसने प्रभास के फैंस को इस फिल्म के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है, क्योंकि इस फिल्म का म्यूजिक का कार्यभार संभालने वाले हैं थमन, जिनका म्यूजिक आपने जरूर सुना होगा। और थमन ने प्रभास के साथ अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें दोनों बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं। और थमन ने दी राजा साहब फिल्म की एक अपडेट शेयर की, जिसके बाद फैंस के लिए खुशियों का माहौल छा गया है प्रभास की दी राजा साहब फिल्म के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले फिल्म मेकर्स ने दी राजा साहब फिल्म का एक ग्लिम्स रिलीज किया था, और जिसके अंदर हमें इस फिल्म की रिलीज डेट भी बताई गई थी कि प्रभास की दी राजा साहब फिल्म जो कि 10 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में आने के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार है। और प्रभास की ये फिल्म भी बाकी फिल्मों की तरह पैन इंडिया लेवल पर ही रिलीज होने वाली है। लेकिन वहीं तमन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को शेयर करते हुए मेंशन में लिखा कि जनवरी के महीने में फिल्म को लेकर कुछ आने वाला है, और अब प्रभास के फैंस यही उम्मीद लगा रहे हैं कि जनवरी के महीने में हमें दी राजा साहब फिल्म का कोई भी सॉन्ग देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमन एक म्यूजिक कंपोजर है, और इसी के साथ साथ वो इस फिल्म के म्यूजिक का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। इसलिए फैंस को पूरी उम्मीद है कि हमें जनवरी के महीने में दी राजा साहब फिल्म का कोई भी सॉन्ग देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ इस फिल्म के अंदर प्रभास जो कि एक रोमांटिक किरदार में नजर आने वाले हैं, जैसा कि हमें इस फिल्म के ग्लिम्स में भी देखने को मिला था, जहां पर प्रभास एक बाइक पर आते हैं और फिर उनके हाथों में फूलों का गुलदस्ता होता है, और फिर हमें उनके यूनिक ड्रेसिंग सेंस के साथ, उनके नए लुक के साथ, उनके चेहरे पर एक स्माइल देखने को मिलती है, जो ये बिल्कुल क्लियर इशारा कर रही है कि ये प्रभास की बिल्कुल ही डिफरेंट वाली फिल्म होने वाली है। और इस फिल्म में प्रभास के साथ साथ मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार के साथ साथ संजय दत्त इस फिल्म की अहम भूमिका में नजर आएंगे। और प्रभास की इस फिल्म का बजट मात्र 100 करोड़ का होने वाला है, और इसी के साथ साथ हमें इस फिल्म के अंदर प्रभास का बिल्कुल यूनिक किरदार देखने को मिलने वाला है। तो क्या आप सभी लोग प्रभास के कल की 2898 AD फिल्म के बाद प्रभास की आने वाली फिल्म दी राजा साहब के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ आपको कैसे लगी हमारी ये इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। खुशियों का